हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट साइंस लेसन फोर्थ हीट एंड टेम्परेचर। इसमें पेज नंबर 42 फारेनहाइट स्केल। दिस स्केल वाज डिराइव्ड बाय गैब्रियल फारेनहाइट। यह पैमाना गैब्रियल फारेनहाइट द्वारा बनाया गया था। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज टेकिंग एज 32 डिग्री फारेनहाइट। इस पैमाने पर जो शुद्ध जल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 32 डिग्री फारेनहाइट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 212 डिग्री फारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट वेयर ईच पार्ट इज 1 डिग्री फारेनहाइट। इस पैमाने पर किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच टी पार्ट को 180 इक्वल भागों में बांटा गया है, जहां ईच पार्ट इज 1 डिग्री फारेनहाइट, यानी जहां पे प्रत्येक भाग जो होता है 1 डिग्री एफ यानी फारेनहाइट होता है। केल्विन स्केल। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने इस पैमाने का आविष्कार किया था। केल्विन इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है तापमान की एसआई यूनिट भी होती है। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस पैमाने पर जो पानी का यानी जल का गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक होता है वह 373 केल्विन होता है। द स्केल इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट। इस पैमाने को 100 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है वेयर ईच पार्ट इज 1 के, जहाँ प्रत्येक एक पार्ट का मान होता है 1 केल्विन। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के प्रकार। देयर आर 3 कॉमनली यूज थर्मोमीटर। साधारण जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्लिनिकल, डिजिटल एंड लेबोरेटरी। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वेरियस ओनली विथ इन दिस रेंज। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वह इसी के बीच में आता है, जो कि कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी जो हेल्दी पर्सन होता है उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 35-42 के बीच में ही आता है। इसके बाद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंजिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें एक लंबा और नैरो ग्लास ट्यूब यानी कांच का एक ट्यूब होता है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड। एक तरह से ये क्या होता है, एक जगह से यह बंद होता है एंड अदर एंड हैज अ ग्लास बल्ब, और दूसरे छोर पर क्या होता है, एक कांच का बल्ब होता है जिसमें मरकरी पारा लिक्विड होता है वो भरा होता है। द टेम्परेचर स्केल इज मार्क आउटसाइड द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर। ताप मापनी जो होते हैं यानी जो अंक प्रदर्शित होते हैं वह थर्मोमीटर के बाहर किए जाते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है, दोनों इक्वली माने जाते हैं। इट इंक्रीजेस इफ द पर्सन हैज फीवर। यह तब बढ़ता है जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है, यानी 37 से अबव तब होगा जब उसको बुखार हो जाएगा। हाउएवर इट नेवर गोज अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह कभी भी 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है या 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है सेल्सियस पैमाने पर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक और अ कंस्ट्रिक्शन इन द ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द मरकरी बल्ब। क्लिनिकल थर्मोमीटर में पारा बल्ब के ऊपर क्या होता है, एक किंक या कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। दिस किंक प्रिवेंट इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब। यह किंक
ट्यूब से बल्ब तक पारा के तत्काल बैकफ्लो को रोकता है, दच अलाउइंग अस टू रीड द टेम्परेचर कॉन्वीनियंटली। इफ़ द थर्मोमीटर इज टू बी यूज अगेन, वी गिव इट अ जर्क टू ब्रिंग द मरकरी बैक इन द बल्ब। इससे हम तापमान को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर थर्मोमीटर को दोबारा यूज करना हो तो हमें मरकरी को, पारे को वापस बल्ब के पास एक झटके से लाना पड़ता है। इसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर। अ नॉन फैक्ट अबाउट मरकरी इज डैट इट इज टॉक्सिक इन नेचर। पारे के बारे में यह एक फैक्ट है, जो तथ्य है, वह कहा जाता है कि पारा जो होता है वह विषैला होता है, प्रकृति में विषैला होता है। फॉर दिस रीजन डिजिटल थर्मोमीटर आर वाइडली यूज नाउडे। इसलिए आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अ डिजिटल थर्मोमीटर डज नॉट कंटेन मरकरी। डिजिटल थर्मोमीटर में पारा नहीं होता है, यानी मरकरी नहीं भरा होता है। इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉडी विच इज ईजी टू यूज। यह क्या होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक की परत होती है जिसको आसानी से यूज किया जाता है। इट कंजिस्ट ऑफ अ थर्मिस्टर विच इज यूज टू सेंस द टेम्परेचर। इसमें एक थर्मिस्टर होता है जिसका प्रयोग तापमान को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। Another small device present in this thermometer that measures the current passing through the thermistor and send the information to an LCD liquid crystal display. Behind the temperature it displays in numerical values. इस थर्मोमीटर में मौजूद एक और छोटा उपकरण जो करंट के पासिंग को मेजर करता है, मापता है, और जो थर्मिस्टर होता है उसके द्वारा यह करंट को मापता है और इन्फॉर्मेशन एलसीडी पर भेजता है, जहाँ पे टेम्परेचर को नंबर के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यानी प्रयोगशाला थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग प्रयोगशाला में तापमान मापने के लिए किया जाता है। दिस थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। यह थर्मोमीटर गर्म वस्तुएं जैसे बॉइलिंग वाटर, यानी उबलता हुआ जो पानी होता है उसका, और कोल्ड ऑब्जेक्ट यानी ठंडी वस्तुएं सच एन आइस, इनका तापमान मेजर कर सकता है। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज। सामान्यतः जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दीज थर्मोमीटर कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड सच एज फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल, फूड एंड पेट्रोलियम। इस थर्मोमीटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल, फूड और पेट्रोलियम टेस्टिंग के लिए। हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर एट आई लेवल टू मेक द रीडिंग ईजियर। रोटेट द थर्मोमीटर बैक एंड फोर्थ अंटिल द मरकरी इन द शाफ्ट इज क्लियरली विजिबल। रीडिंग को आसान बनाने के लिए थर्मोमीटर को आँखों के स्तर पर रखें। अब थर्मोमीटर को आगे पीछे तब तक करें जब तक कि आपको पारा यानी मरकरी दिखाई ना दे, यानी साफ साफ पारा जब तक नहीं दिखाई देता आप इसको आगे पीछे करते रहिए। आइडेंटिफाई द मार्किंग डेट इज क्लोजेस्ट टू बेयर द मरकरी इन द शाफ्ट स्टॉप। अब उस चिन्ह को मार्क कर दीजिए जहाँ पे पारा रुका हुआ है उसके पास, जो सबसे करीब चिन्ह है या जो सबसे करीब मार्क है, नंबर आता है, उसको मार्क कर दीजिए।